सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उनका क्या बनेगा? कप्तान बनते ही बाबर आजम ने वादा कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। कौमी वनडे और T20 क्रिकेट टीम की कप्तान बाबर आजम ने वादा किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी खिलाड़ियों को कौमी टीम में शामिल किया जा सकता है। वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि ऐसी बात नहीं कि किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उसको मौका नहीं मिलेगा। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर से बात भी हुई थी। नसीम शाह, मोहम्मद हफीज और शेब मलिक को भी बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के टीम में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान उनकी कोशिश होती है कि ग्राउंड में खिलाड़ियों पर गुस्सा ना करे। वो ग्राउंड में सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत करते हैं। वनडे टीम की कप्तानी मिलना एजाज की बात है और ये एक चैलेंज भी है। बाबर आजम का कहना था कि उनका विराट कोहली के साथ कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन जब लोग उनका विराट कोहली और केन विलियमसन जैसे अजीम बल्लेबाजों के साथ मुवाजना करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है। दौरा इंग्लैंड के हवाले से बाबर आजम का कहना था कि दौरा इंग्लैंड के लिए PCB खिलाड़ियों की सेहत का ख्याल रखेगा। अगले हफ्ते से PCB खिलाड़ियों का कैंप लगाने जा रहा है और क्वारंटीना में खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबर आजम के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।